नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता SGSC गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद से आपको BSc पार्ट टू में केमिस्ट्री के लेक्चर दूंगी। उसमें मैं आज आपको थर्ड पेपर में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट में है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट या ऊष्मागतिकी 1। तो देखिए, इस थर्मोडायनेमिक्स को या ऊष्मागतिकी 1 को समझने से पहले हमें ये समझना है कि ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई रूपों में दर्शाई जा सकती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और ये सभी ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती है या ये ऊष्मा में परिवर्तित की जा सकती है। यूँ देखा जाए तो ऊष्मा गतिकी का शाब्दिक अर्थ ऊष्मा का प्रवाह है, यानी ऊष्मा के प्रभाव के अध्ययन को हम ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ये एक गणितीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ हम ये देखेंगे कि रासायनिक ऊष्मा गतिकी क्या है। तो रासायनिक ऊष्मा गतिकी की एक सीमित शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ हम ऊष्मा गतिकी पद देखेंगे, यानी थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स देखेंगे। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले सिस्टम या तंत्र। ब्रह्मांड का यह वह भाग है जिसका ऊष्मा गतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है। ये तंत्र कहलाता है या जिसे हम निकाय कहते हैं। इसका जैसे एग्जांपल है कि एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर और उसमें एक मोल गैस भरी हुई है। यदि इस गैस पर ताप और दाब के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो ये भरी हुई जो एक मोल गैस है वो सिस्टम कहलाती है। दूसरा पद है इसमें सराउंडिंग या जिसे पारिपार्श्विक कहा जाता है। तो तंत्र और निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग पारिपार्श्विक कहलाता है, यानी जो यूनिवर्स का वो पोर्शन जो तंत्र को हम छोड़ दें उसके अतिरिक्त जो भी पोर्शन है वो सराउंडिंग कहलाता है। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखा था कि सिलेंडर में भरी हुई एक मोल गैस, वो सिस्टम है। तो उस एक मोल गैस को छोड़कर ब्रह्मांड का जो समस्त भाग है जिसमें पिस्टन भी शामिल है, सिलेंडर भी शामिल है, वो सराउंडिंग कहलाता है। अब इसमें टर्म आती है बाउंड्री या जिसे हम सीमा रेखा कहते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। यह बाउंड्री रियल भी हो सकती है, यानी वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, ये रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। अब हम तंत्रों के प्रकार देखेंगे, यानी टाइप ऑफ सिस्टम। सबसे आपने ये पहले पढ़े होंगे 11th या 12th में कि ये तंत्र के जो प्रकार है, जैसे ओपन सिस्टम या जिसे हम खुला तंत्र कहते हैं, यह वो तंत्र है जो अपने पारिपार्श्विक से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ही विनिमय कर सके, खुला तंत्र कहलाता है। यानी सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर फ्रॉम द सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। तो जैसे एक खुले पात्र में रखा हुआ गर्म जल या बीकर में उबलता हुआ जल, ये सब खुले तंत्र के उदाहरण हैं। दूसरा हम देखते हैं क्लोज सिस्टम या जिसे हम बंद तंत्र कहते हैं। यह वह तंत्र है जो अपने सराउंडिंग के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय करता है,
परंतु पदार्थ का विनिमय नहीं करता हो वन तंत्र कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे एक क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है जल, जल वाष्प तंत्र। तो यहाँ उसकी एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाती है लेकिन जल की वेपर या जल ये आउटर में नहीं जा सकती है। तो ये है क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। थर्ड हम देखेंगे इसकी आइसोलेटेड सिस्टम या जिसे हम विलगित तंत्र कहते हैं, वह तंत्र जो सराउंडिंग से ना तो एनर्जी का और ना ही मैटर का एक्सचेंज करता हो तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। थर्मस में रखा हुआ जल और वाष्प तंत्र ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। यानी जो थर्मस में रखा हुआ है ना तो वेपर्स बाहर आएंगी और ना ही उसकी एनर्जी बाहर आएगी। फोर्थ टाइप है सिस्टम का और वो है होमोजीनियस सिस्टम या जिसे हम समांगी तंत्र कहते हैं। तो जब किसी सिस्टम की कंपोजिशन और प्रॉपर्टी उसके प्रत्येक भाग में एक समान हो, अर्थात उसकी किसी प्रॉपर्टी को अलग करने वाली कोई सीमा रेखा ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जैसे शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव या गैसों का मिश्रण, ये सब होमोजीनियस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं हेटरोजीनियस सिस्टम या जिसे हम विषमांगी तंत्र कहते हैं। यदि किसी तंत्र में किसी एक क्षेत्र की जो का संगठन और गुण किसी दूसरे क्षेत्र के संगठन और गुण से अलग हो, तो उन दोनों गुणों को अलग करने वाली कोई स्पष्ट सीमा रेखा अगर हो, तो ऐसे सिस्टम या तंत्र को हम विषमांगी तंत्र कहते हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड का मिक्सर इसका एग्जाम्पल है, या दो अमिश्रणीय द्रव इसका विषमांगी तंत्र का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं तंत्र के गुण या प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हैं। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी तंत्र के गुणों को दो भागों में बांटा है, एक्सटेंसिव या जिसे हम मात्रात्मक गुण कहते हैं, और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी या जिसे हम विशिष्ट या गहन गुण कहते हैं। तो पहले हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ये वो गुण हैं जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। उनका जो एग्जाम्पल है वो है जैसे आयतन, द्रव्यमान, अणुओं की संख्या, ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, ये सब मात्रात्मक गुण के उदाहरण हैं। और दूसरा है विशिष्ट गुण या जिसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये वो प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है, यानी पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करती है, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, कंसंट्रेशन, ठीक है, उसकी घनत्व, शांता, अपवर्तनांक, विशिष्ट ऊष्मा, पृष्ठ तनाव, परावैद्युत स्थिरांक, द्विध्रुवणा गुण, मोलर एंट्रोपी, है ना, और क्वथनांक, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो आपको एग्ज़ाम में कई बार ये दे दिया जाता है कि ये मास लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, डाइपोल मोमेंट, हीट कैपेसिटी, ये सब लिख दिए, और फिर ये लिखा कि अब इनमें से आप ये बताइए ये कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है और कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम देखते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस या जिसे हम कहते हैं ऊष्मा गति की प्रक्रम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है, ऊष्मा गति की प्रक्रम कहलाती है। तो इस तंत्र की अवस्था में परिवर्तन जो है वो हम नीचे लिखे प्रक्रम से हम समझा सकते हैं। जैसे पहला है
समतापी प्रक्रम या जिसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ये वो प्रक्रम हैं जो स्थिर ताप पर किए जाते हैं। यानी इसमें जितने भी पद होते हैं प्रत्येक पद में ऊष्मा स्थिर रहती है, यानी ये सॉरी ताप स्थिर रहता है, ऊष्मा परिवर्तित हो सकती है। अब इसके लिए जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ये तंत्र परिवर्तित होता है तो उसका ताप तो स्थिर रहता है लेकिन उसमें ऊष्मा परिवर्तित हो सकती है। दूसरा प्रकार है एडियाबेटिक प्रोसेस या जिसे हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। ये वो प्रक्रम है जिसमें सराउंडिंग से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी थ्रू आउट प्रोसेस इसकी हीट कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर में चेंज टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है। थर्ड टाइप है आइसोबारिक प्रोसेस या जिसे हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। ये जो समदाबी प्रक्रम है ये वो प्रक्रम है जब जिसके अंतर्गत अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहता है, समदाबी प्रक्रम कहते हैं। यानी उस निकाय का दाब अगर P हो तो समतापी प्रक्रम को हम डेल P इज इक्वल टू जीरो से एक्सप्लेन करते हैं। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। फोर्थ टाइप है आइसोकोरिक प्रोसेस या जिसे हम सम आयतनी प्रक्रम कहते हैं। तो यदि कोई मतलब जो तंत्र है या जो प्रक्रिया है या अवस्था परिवर्तन है वो अगर हम स्थिर आयतन पर करते हैं तो वो समतापी प्रक्रम कहलाती है। और इसमें हम जो है तंत्र का आयतन स्थिर लेते हैं, यानी डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो हम कहते हैं। तो यानी जब प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस या जिसे हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तन की श्रृंखला से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो वो प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। और इसी तरह से अब हम पथ की बात करते हैं या पथ की बात करते हैं तो तंत्र के प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ कर माध्य अवस्थाओं से गुजर कर अंतिम अवस्था में पहुंचने को तंत्र का पथ कहते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो एक बार हमें समझ लेनी चाहिए। इन टर्म्स को अब आगे जो हम इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी टर्म्स हमें यूज़ होंगी, तो इसलिए इन टर्म्स को आपको एक बार घर बैठ के अच्छे से समझ लेना है। बाकी फिर अपन कल देखेंगे। थैंक यू।